अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, siyasat.com पर आप सबका इस्तकबाल है। मोहम्मद हनीफ उर्फ डॉक्टर हनीफ साकिन मुशराबाद, जिसको कल पुलिस ने वरंगल की जेल से हैदराबाद की अदालत को मुंतकली के दौरान मुबैना फर्जी इनकाउंटर में हलाक कर दिया था, आज हनीफ की नाश को ख़ानदान के हवाले किया गया है। हनीफ की मौत से पूरे मुशराबाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई। मकतूल की बीवी ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि इस केस की इंक्वायरी की जाए। साबिक कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद भी मुशराबाद पहुंचकर मकतूल के ख़ानदान को पुरसा दिया। मोहम्मद हनीफ की नमाज जनाजा बाद नमाज ईशा मस्जिद मेराज मुशराबाद में अदा की जाएगी। मेरे को इनके तहकीकात कराना ज़रूरी है। मेरे को यहाँ की पुलिस पे भरोसा नहीं है, दिल्ली की पुलिस पे भरोसा नहीं है। आप मेरे को हुकूमत से रिक्वेस्ट है, आप लोग के आसमा इंसाफ कराओ। जितने भी जने ये करें उनको सस्पेंड करके कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा मेरे बच्चे नाती है उनके भी बच्चे भाई अनाथ होना, मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं सियासत जाहिद अली खान साहब से अपील कर रही हूँ। मैं 5 साल से उनकन भी गई, मैं ये केस का चार्जशीट दी, ये बॉर्डर पे आया केस चारों का एक आस में मैं जी रही थी। 4 साल से मेरे मियाँ छुटेंगे, मेरी रातों की नींद उड़ गई, मैं ताजुद के नमाज रोजे सब रह रही थी, आज मेरी उम्मीद पूरी हो गई। इतना अच्छा केस लड़े दफर खान साहब, इनके बड़े भाई इतना अच्छा केस लड़े, हमारे से एक पैसा नहीं पूछे, कुछ नहीं, इतना कोशिश करके उनको क्या गए। बस अब 1 महीने का टाइम था, 1 महीने में पेश जजमेंट आ रहा था, जजमेंट आने वाला था। हराम के पने से उन लोग हमारे खाली पीली इन लोगों का इल्जाम में दा रही, ये सोलसी साजिश है, ये फेक मर्डर है, ये इनकाउंटर वो ये कुछ नहीं है, ये मर्डर करे उन लोग सोच के मर्डर करे, ये लोग छुट जा रहे हैं बोल के हराम का पना करे। एक सबूत मेरे मियाँ के खिलाफ नहीं मिला, आप जाके वो पूछ सकते। 5 साल से क्लिनिक चला रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व थे ही नहीं, उन्होंने घर घर से दौखना दौखने से घर बच्चों में रहते थे, खाली पीली फंसा दिया, विखार विखार ये वो बोल के किसी से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। सबसे बड़ी चीज ये है, बस्ती में ये डॉक्टर के कई हिंदू पेशेंट तारीफ कर रहे हैं कल से, भाई आदमी ऐसा नहीं था, नहीं था वो आदमी। कई मेरी प्रेस वालों से गुजारिश है कि पूरे हिंदू आए, देखो आप तकरीबन कई लोगों को फ्री में इलाज करता था बेचारा, कई लोगों को फ्री में इलाज करता था। हम दर्द आदमी है, हिंदू हम सब कुछ।